लोकतंत्र का महापर्व का छठा चरण चल रहा है और अभी सीवान में मौजूद हैं और वोटिंग की जो प्रक्रिया है शुरू, उस मुद्दे पर आप लोग वोट डाल रहे हैं। हमारा मुद्दा है सबसे पहले बेरोजगार और विकास चाहिए सीवान में। 15 साल में अभी तक कुछ विकास नहीं हुआ है। गर्मी भी काफी पड़ रही है इस समय बिहार और सीवान के अंदर में, इसलिए हम लोगों ने चाहा कि सुबह सुबह अपना वोट देकर लोकतंत्र के पर्व में अपना। ये देखिए तो ये पहला वोट देकर आए अभी जिस बूथ पर हम लोग मौजूद हैं। बता दें कि सीवान का सुकुलटोली मोहल्ला है और हनुमान मंदिर के जस्ट बगल। हमारा मुद्दा यही था कि अभी तक जो सीवान में विकास रुका हुआ है, तालीम रुकी हुई है, लूटपाट हर जगह शुरू है, तो लोग अपने सही वोट को सही लोगों को उनके मन में जो भी हो उन्हें दें और चुप जाओ। हाँ, बेरोजगारी है, महंगाई है, जा रहे लोग अच्छा हो जाए सिवान। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर्स रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 8399-43-151। लोकतंत्र का महापर्व का छठा चरण चल रहा है और अभी सिवान में मौजूद हैं और वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सिवान के सुकुलटोली मोहल्ले के हनुमान मंदिर के पास हैं और ये आप देख सकते हैं जिस बूथ पे पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सुबह से ही लोग लाइन में लगने शुरू हो गए हैं। जो लोग अपना पहला वोट देकर आ रहे हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लोग वोट देने के लिए अंदर जा चुके हैं और जैसे ही आएंगे उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका क्या मुद्दा है। उससे पहले हम आपको दिखा देंगे, चाहेंगे कैमरा मैन से दिखाए कि देखिए यहाँ पे सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो सुरक्षा कर्मी हैं काफ़ी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर तैनात हैं और पीने का पानी आप देख सकते हैं यहाँ पर इंतजाम किया गया है। मौसम को खास ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंट की भी व्यवस्था की गई है ताकि गर्मी से आने वाले, क्योंकि आपको बता दें कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है, जिसको लेके पहले से ही तैयारियाँ की गई है। कई लोग जो वोट डालने आए हैं इनसे बात करते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर आप लोग वोट डाल रहे हैं। हमारा मुद्दा है सबसे पहले बेरोजगार और विकास चाहिए सिवान में। 15 साल में अभी तक कुछ विकास नहीं हुआ है। बेरोजगारी और विकास मुद्दा है, और भी कुछ लोग बात करते हैं, क्या लग रहा है क्या मुद्दा होगा आज? विकास ही मुद्दा होगा हमारे लिए, विकास के मुद्दा पर वोट दे रहे हैं। पिछले 15 साल से सिवान के अंदर कोई भी विकास नहीं हुआ है। जितने भी सांसद आए वो अपने में ही लगे रहे, सिवान का कोई भी विकास नहीं हुआ है। सुबह वोट देने आए, जैसा कि सरकार ने कहा था पहले मतदान फिर जलपान का नारा था, तो उसको फॉलो करते आप लोग नजर आ रहे हैं। जी जी बेशक, क्योंकि गर्मी भी काफी पड़ रही है इस समय बिहार और सिवान के अंदर में, इसलिए हम लोगों ने चाहा कि सुबह सुबह अपना वोट देकर लोकतंत्र के पर्व में अपना योगदान दें। तमाम लोग लाइन में लगे हुए हैं, पहला वोट देकर आए, मैं चाहूंगा क्या थोड़ा सा अपना जी। ये देखिए तो ये पहला वोट देकर आए अभी जिस बूथ पर हम लोग मौजूद हैं। बता दें कि सिवान का सुकुलटोली मोहल्ला है और हनुमान मंदिर के जस्ट बगल में ज्ञान केंद्र एक स्कूल है, उसी में बनाया गया है। किस मुद्दे पर आपने वोट डाला है? हमारा मुद्दा यही था कि अभी तक जो सिवान में विकास रुका हुआ है, तालीम रुकी हुई है, लूटपाट हर जगह शुरू है, तो लोग अपने सही वोट को सही लोगों को उनके मन में जो भी हो उन्हें दें और चुपचाप दें और उन्हें वो जिताएं और अपनी सोच को वो मुकम्मल करके 5 साल में लोगों को वोट के सही कीमती वोट को वो लोग जो है वो जिस सोच से लोग वोट दे रहे हैं वो सोच उनकी पूरी हो। अच्छा, सुबह से देख रहे हैं लाइन लगने शुरू हो गई, किस सोच के साथ आप सुबह सुबह पहुंचे? हम सुबह इसलिए आए हैं कि हम सुबह सुबह पहले हम वोट दे दें और लोगों के मन में भी ये सोच हो कि हम अपने कीमती वोट को ना देकर ज़ाया ना करें और अपने मत को सही लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों के अंदर एक सोच हो कि हम भी अपना वोट सही लोगों तक को देकर उन्हें जीत हासिल कराएँ। देखिए, लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ी ताकत है आपकी। 5 साल में एक बार सरकार चुनने का मौका आता है जिससे आप केंद्र सरकार चुनते हैं, ऐसे में आप भी अपने वोट का प्रयोग क्यों जरूर करें। न्यूज इंडिया तक आपसे अपील करता है कि सुबह सुबह आप बूथ पे पहुँचें और अपने वोट का इस्तेमाल करें और अपने बुद्धि विवेक से फैसला लें और एक बेहतर उम्मीदवार का चुनाव करें, किसी के बहकावे में आए बिना। और भी कई सारे लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करने, महिलाएं यहाँ पे, महिलाएं भी सुबह सुबह पहुंची हैं, इनसे बातचीत करने के प्रयास करेंगे। क्या मुद्दा क्या होगा इस बार?
क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे पे वोट डालना है? क्या मुद्दा है? महंगाई, बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी है, महंगाई है। चाह रहे हैं लोग कि अच्छा हो जाए सिवान, और सिवान अच्छा हो जाए, सिवान की तरक्की के लिए। हाँ, पूरा तरक्की हो जाए जी जी। सुबह सुबह पहुँची हैं आप? हाँ, सुबह सुबह देंगे तो अच्छा अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। चलिए, इस लाइन में भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई है, लंबी लाइन भी लगनी शुरू हो गई है। क्या लग रहा है, क्या मुद्दा होगा इस बार? विकास का मुद्दा होगा, विकास के मुद्दे पर। हाँ जी, सुबह सुबह पहुँचे हैं ये देखिए, यहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनको सुरक्षाकर्मी ने बोला है कि आप आगे चले जाइए, यानी इनको तरजीह दिया गया है, यानी जो लोग भी बुजुर्ग व्यक्ति उनको तरजीह दिया जा रहा है और उनको पहले वोट देने, क्योंकि मौसम जो है उसको देखते हुए खास करके ये निर्णय लिया गया कि जो लोग भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो उनको सबसे पहले रखा जाए, यानी वो जो बूथ पे पहुंच रहे हैं तो उनको वोटिंग के लिए सबसे आगे लेके जाया जाने की प्रक्रिया भी यहाँ पे चल रही है। और देखिए, बेंच भी लगाए गए हैं बैठने के लिए भी, और यहाँ पे देख सकते हैं कि पंडाल भी लगाया गया है ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, मौसम को जैसे किसी को परेशानी नहीं हो, ये भी खास ख्याल रखा गया। और भी कुछ लोग बात करते हैं, क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर वोट डाल रहे आज? विकास, विकास के मुद्दे पर वोट डाल रहे जी, विकास के मुद्दे पर वोट डाला जा रहा है, विकास के मुद्दे पर वोट डाला जा रहा है, क्या कहेंगे? ठीक है, तो देखिए, ये लग रहा है कि शो के तुरंत आए हैं सबसे पहले वोट डालने के लिए, अच्छी बात है। और न्यूज इंडिया तक भी आपसे अपील करता है कि आप भी अपने वोट का इस्तेमाल करें, और आप जहां भी हैं इस खबर को देख रहे हैं जल्दी से अपने बूथ पर पहुंचे और अपना वोट डालकर सरकार बनाएं और एक अच्छी सरकार चुनें। अच्छा, तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज इंडिया तक। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान, बंधन पैराडाइज आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे, निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।